नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा के खबरों के साथ, रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए सरपंच और पंचायत की अहमियत को बताया और साथ ही सीएम ने कहा कि पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है और गांव में योजनाओं को धरातल पर सरपंच ही उतारते हैं। और सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित पंचायती राज विभाग के द्वारा इस सरपंच सम्मेलन में मुझे आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक धरा पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे सरपंच गण भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मेरे सामने गांव की सरकार उपस्थित है। सरपंच एक इस लोकतंत्र की वो कड़ी है, हम भी सरपंच हैं, इधर बैठे हैं आप भी सरपंच। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं जीत गया, वो जीतना नहीं होता। हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको भी लोग वोट देते हैं, हम चुने जाते हैं। ज्यादा मत हमारे पास आए तो हम चुने गए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और हमारे काम के धारे भले अलग अलग हों, लेकिन आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। ये हमारा लक्ष्य है, आपका भी यही लक्ष्य है और इधर जो बैठे हैं उनका भी लक्ष्य है। और इस लोकतंत्र की इकाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, उन्हें आप पूरी निष्ठा से धरातल के ऊपर उतारने का काम करते हैं। आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को, उन्होंने कहा भी है कि मजबूती से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर के उभर रही हैं। और उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है, उन्होंने इस भारत के उस लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके गांव का विकसित होना भी उतना जरूरी है जितना गांव को विकसित बनाने के लिए
अपने गांव के विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे पूरा करने के मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र का संकल्प ये मेरे गांव से निकलता है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि संकल्प के लिए ना हमने पहले कमी छोड़ी है और ना पैसे में आगे कमी छोड़ेंगे। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात। देख सकते हैं आप तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और साथ ही उन्हें फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी और दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नए नए नेता बने हैं, जो इस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया और इसके सत्यापन के बारे में पूछने पर वो कन्नी काटते नजर आए। किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है, इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी। बच्चों में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए रविवार को हरियाणा के खेलड़ा गांव को खेल स्टेडियम समर्पित किया गया। गुरुग्राम के बीजेपी उपाध्यक्ष और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा के सपने को पूरा करने के लिए उनकी याद में स्टेडियम बनवाया है और स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने किया। और इस मौके पर खेलड़ा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए चेयरमैन दिनेश शर्मा ने कहा कि वे खुद फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें पता है कि संसाधनों के अभाव में खेलना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और युवावस्था में उन्होंने बेहद करीब से देखा कि कैसे गांव की उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और जिसके पास
जोश और जज्बा था तो, लेकिन संसाधन नहीं थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेडियम के माध्यम से मैंने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा जी के सपने को पूरा करने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल में अपना समय दें। मैं आज बहुत, मेरे लिए हर्ष का दिन, मैंने अपने दादाजी के नाम पे, जो कि बहुत हम गरीब परिवार से इस गांव में रहे हैं, दादाजी भी हमारे ज्योतिष का काम था 3 पीढ़ी का, मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में आया, मैं फुटबॉल से जुड़ा रहा हूं। जब मैंने, जिन साधनों से मैं वंचित रहा हूं अपने खेल टाइम में, मैंने उन साधनों को आगे, अपने एक ही बात दिमाग में थी कि जिन साधनों को मैं नहीं कर पाया उनको आगे मैं बच्चों को पहुंचाऊं, और उसी कड़ी में मैं आगे काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा की और साथ ही जिला स्तर पर यह पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें नगरपालिका और नगर परिषद के सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 किया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को 16,000 रूपये का मानदेय देने की भी घोषणा की है। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बनेगा, जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपए का मानदेय तुरंत शुरू हो जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Thank you.